नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। यूपी में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विरोधी पार्टी पर हमला करते हुए राहुल गांधी की अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि अमेठी में हिसाब किताब चुकता होने वाला है, इसलिए राहुल गांधी केरल भाग रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये राहुल बाबा अभी चुनाव का मौसम आया है, पर्यटन पर निकले हैं, जा जाकर भाषण करते हैं। इस देश में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। मैं पूछना चाहता हूं सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी को, 10 साल तक सरकार थी, आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे, अपने जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था बेटा, कोई जवाब नहीं दिया जाता। आप सब ने, यूपी वालों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आज पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार है तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश वालों ने बनाई है, ये मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने। 73 सीटें 80 में से आपने मोदी जी को दी और मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अभी अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया, 40 जवान सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद। हम सब सकते में थे, पूरा देश सकते में था, आक्रोशित था, निराश था, दुखी था, ये क्या हो गया। अब सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं हो सकती, पहले तो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने सीमाओं पर सेना खड़क दी, चौक चौबंद व्यवस्था कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक हो नहीं सकती, क्या होगा। मगर उनको भी मालूम नहीं था, पाकिस्तान वालों को मालूम नहीं था, ये तो यूपी ने बनाया हुआ पीएम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। जवानों की 13 ही के दिन एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके ट्रेनिंग कैंप पर बमबारी कर आतंकवादियों के फुरचल्ले उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ भाइयों, मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया, जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया। पूरे देश के अंदर फटाके जले, पूरे देश के अंदर उत्साह आ गया, पूरे देश के अंदर युवा जोश में आ गया, मगर राहुल बाबा और ये बुआ भतीजे का मुंह देखने जैसा था। उनके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। मुझे तो यही मालूम नहीं पड़ा ये पाकिस्तान के नेता और राहुल बाबा का मुंह एक समान क्यों दिखाई पड़ता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करने का निर्णय किया, एयरफोर्स के बहादुर जवान पाकिस्तान की सीमा में घुस गए और आतंकवादियों को मौत के घाट उतार कर आए, और ये लोग सवाल उठा रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। अरे सबूत क्या चाहते हो, पाकिस्तान के सेना वालों के मुंह देख लो, सबूत वहीं पड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बात सुन लो, छाती पीट पीट कर संसद के अंदर जो पाकिस्तान की हाइप रही है वो देख लो, सबूत अपने आप मिल जाएगा, अपने आप। आप सबूत मांगकर देश की सेना के जवानों का अपमान कर रहे हो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स की भी हद होनी चाहिए। सेना के जवानों के खिलाफ सबूत मांगकर किसको खुश करना चाहते हैं आप?
अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। 40-40 जवान शहीद हो गए, इनकी विधवाओं के आंसू नहीं दिखाई पड़ते, वो अनाथ बालकों की आक्रंद नहीं सुनाई पड़ती। और जब हमारे सेना के जवान पराक्रम कर वायुसेना के जवान उसका बदला लेकर आता है, आपकी छाती गज गज फूलनी चाहिए, उसकी जगह आप आक्रंद कर रहे हैं। मित्रों, महाभारत में एक प्रसंग है, कौरवों ने पांडवों को वनवास में भेज दिया और वहां उनको जलन कराने के लिए विहार के लिए निकले और किसी गंधर्व ने दुर्योधन को कैद कर लिया। जब पांडवों को समाचार मिला तो भीमसेन खुश हो गए कि अच्छा हुआ दुर्योधन को गंधर्व ने कैद कर लिया, उसको दंड मिला। युधिष्ठिर ने कहा ऐसे नहीं सोचते हैं, जब बाहर का मामला होता है तो वो 100 और हम 5 नहीं है, वयम पंच शताधिक है, 105 होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, ये युधिष्ठिर ने कहा था। मगर राहुल बाबा ने किसी ने महाभारत नहीं पढ़ाई है, उनको लगता है कि मोदी जी को सवाल पूछकर देश की जनता के मन में शंका पैदा करेंगे। डोकलाम में भी वो ही किया था, सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी वो ही किया और एयर स्ट्राइक के वक्त भी यही किया। मैं बागपत की जनता को पूछने आया हूं, आपको नरेंद्र मोदी पर भरोसा है या नहीं है बताओ, जोर से बोलिए है या नहीं है। ये बम गिरा है आतंकवादियों पर, वो ठीक किया या नहीं किया? आतंकवादियों का बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप सब चिक चिक कर कहते हो लेना चाहिए। राहुल बाबा के गुरु श्याम पित्रोड़ा है, वो कहते इनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको मार कर क्यों हो, क्या मिलेगा? क्यों भाई पित्रोड़ा, आपके चचेरे भाई लगते हैं क्या? आपकी पार्टी की जो नीति होगी वो होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी पार्टी की नीति अपर है, वो गोली चलाएंगे, हम गोले से जवाब देंगे, वो ईंट फेंकेंगे, पत्थर से जवाब मिलेगा। मित्रों, हमारे जवानों की जान सस्ती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मित्रों, ये देश की सुरक्षा का मामला है। अभी इनकी अभी इन लोगों की तुष्टिकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति का एक और उदाहरण आया है। समझौता एक्सप्रेस पर बम ब्लास्ट हुआ था, उन्होंने कहा ये बम ब्लास्ट हिंदू समुदाय ने करा है और सेफ्रोन टेरर नाम दे दिया, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे राहुल बाबा, जरा तो शर्म करो, इस देश का हिंदू समुदाय विश्व बंधुत्व में मानने वाला है, हिंदू कभी टेरर नहीं हो सकता। ये तो ये हिंदू है जो चिट्टियों को भी, जो हमें काटे वो चिट्टियों को भी आटा खिलाकर जिंदा रखता है, वो हिंदू है। किसी को वो मार नहीं सकता, वो बम धमाके कर नहीं सकता। आपने अपनी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का एक गलत आरोप हिंदू समाज पर लगाकर दुनिया भर में गौरव फैलाने वाले हिंदू समाज को आपने कलंकित करने का काम किया है। मित्रों, जब आज पंचकुला कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अंदर स्पष्ट कहा है कि यूपीए सरकार का षड्यंत्र था, कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र था, स्वामी असीमानंद और बाकी के अभियुक्तों के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इन लोगों ने अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष सन्यासी को जेल में डालने का काम किया है। मित्रों, उनको शर्म आनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आज राहुल बाबा को, अगर ये निर्दोष है तो बम धमाके करने वाले जो पकड़े गए थे,
जिनको आपने छोड़ दिया उसका क्या हुआ? देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करते हो।